खाली है हर गिलास, कोई भरा नहीं, और शुक्र है मुझे देखकर कोई डरा नहीं। भाई साहब, जनरली इंसान चेहरे और नाम से पहचाने जाते हैं जी। मैं विश्व में पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता है। क्योंकि अंधेरे में केवल यही चमकते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करता हूँ कि एक बार बिना कुछ लिखे हम मंच पर जाकर चीखे कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, इन घूसखोरों को धूल चटा दूंगा, मैं करूंगा सही और गलत में पूरी ईमानदारी से भेद, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नहीं कर दूं इस काले धन को सफेद। अच्छा, बहुत अच्छे। तभी पब्लिक में से खड़ा होकर बोला, भाई साहब रुकावट के लिए खेद, आपके कथन में ये भेद, इस काले धन का जो करना हो करना बाद में, पहले अपने आप को कर लो सफेद। संजय, मंच से काफी बड़े बड़े कवि बैठे हैं, मेरा सौभाग्य के इस मंच पर आके इनके सामने कविता पाठ कर रहा हूँ। तो कई प्रकार की बातें हुई मंच से, नेताओं के बारे में भी हुई। आपकी नागपंचमी पर जब दिखाई नहीं दिए नागौर सपेरे, तभी घर पर आए एक पड़ोसी मित्र मेरे, मैंने कहा क्या हाल है, वो बोले कि नागपंचमी के पावन पर्व पर लगता है नागों का पड़ गया काल है, अब आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, हमारे अच्छे पड़ोसी होने का सच्चा परिचय दीजिए, नाग तो हमें मिले नहीं, इस बार आप ही दूध पी लीजिए। मैंने कहा यही फार्मूला तो मैं सुबह से आजमा रहा था, और जब सफलता नहीं मिली तो हार कर आपके घर आ रहा था। हमारी सारी बात हमारे पड़ोस में रहने वाला हमारा एक नेता मित्र सुन रहा था, जो कई दिनों से चुनाव के सतरंगी सपने बुन रहा था। उसने अपने घर का दरवाजा तत्काल खोला, हम कुछ बोले उससे पहले ही वो बोला कि मुझे बहुत दुख है कि आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे के दुख में शामिल नहीं है, और मुझे लगता है कि आप दोनों इस दूध के काबिल नहीं है। अब तक आपकी हर समस्या का समाधान हम ही ने किए हैं, और सब जानते हैं कि हम तो आपकी सेवा के लिए ही जिए हैं, आपकी इस समस्या का समाधान भी हम ही करेंगे, और आप घबराइए मत, आपके नाग देवता का दूध हम पिएंगे। अच्छा, मैं समझ गया नेताजी का दूध के प्रति लगाव, दरअसल आने वाले कुछ दिनों बाद चुनाव। क्या बात है, मैं भी मौका नहीं चुका, और नेताजी इससे आगे कुछ न बोले इसलिए एक पल भी नहीं रुका, और दूध से भरा हुआ प्याला नेताजी की ओर बढ़ाया। किंतु नेताजी ने जैसे ही दूध पीने के लिए प्याला मुंह से लगाया, दूध अपनी पवित्रता खोने से पीछे हट गया, क्योंकि नेताजी के छूने के पहले ही दूध फट गया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नेताजी के छूने के पहले ही दूध फट गया। हमने कहा, नेताजी ये तो सब आपकी राजनीतिक शतरंज के चुनावी पासे हैं, और आप दूध के नहीं, इस देश की जनता के खून के प्यासे हैं। मंच से ससुराल के बारे में भी बात की गई, मेरे जन्म ने नई नई समस्याओं को जन्म दिया भाई साहब। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। मेरे जन्म के तत्काल बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान, तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहले। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए, तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा, और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने, और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट धरा और रिश्ता पक्का कर गए। अच्छा। मैं गया तोरण के पास, तो आरती की थाली ली हो खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले, जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा, ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई, और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। अच्छा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा, और मैंने पूछा, क्या बात है, तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगा? पत्नी बोली, मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब, इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है, दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानता है। अच्छा। हम दोनों जग से निराले हैं, फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मन के काले हैं, वाह वाह।
और तमाम बातें करने के बाद अपनी काव्य यात्रा यहाँ से खत्म करना चाहूंगा कि गरीब के मुंह से छिनते निवाले देखे हैं, हमने रोटी सेकती हुई माँ के हाथों में चाले देखे हैं, और हम तो सिर्फ तन के काले हैं मित्र मेरे, हमने तन के उजले लोगों के मन बहुत काले देखे। क्या बात है, वाह वाह वाह।